बीए थर्ड ईयर एजुकेशन पेपर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 है। यहाँ पे मापन से आप क्या समझते हैं, मापन के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे अथवा है मापन के स्तर पर एक निबंध लिखिए, अथवा मापनी से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की मापनियों को समझाइए, अथवा मापन के स्तर क्या हैं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है यहाँ पे मापन का अर्थ एवं परिभाषा है। मापन का अर्थ किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिणाम का पता लगाना है। संक्षेप में यथार्थता परिमाणात्मक मूल्यों को मापन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी रेखा की लंबाई इंचों में मापते हैं या पता करते हैं, या विद्यार्थी के विषय में अंक को ज्ञात करते हैं, तब इसे मापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी की अंग्रेजी विषय में परीक्षा ली गई, अंग्रेजी विषय में उसने 40 अंक प्राप्त किए, इसे मापन कहेंगे। यहाँ पर अंकों की उपलब्धि के आधार पर मापन किया जा रहा है। काइलिंगर के शब्दों में मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करना है। कैम्बेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मूल्यांकन है। ब्रैडफील्ड तथा मर्डक के अनुसार मापन की प्रक्रिया में किसी घटना या तथ्य के विभिन्न परिमाणों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं, ताकि उस घटना या तथ्य के बारे में यथार्थ निश्चय किया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे मापनी। भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक मापनों से मापनीय स्केल्स का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करने के नियम ही मापनी कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए संगीत की एक कक्षा में विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार क्रम प्रदान करना, अथवा एक समूह को ए तथा दूसरे समूह को बी के नाम से पुकारना मापनी का उदाहरण है। स्टीवेंस के शब्दों में वस्तुओं या घटनाओं को तत्वों को अंकों के प्रदान करने के नियम एक मापनी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे मापनियों के प्रकार यानी कि स्तर। स्टीवेंस ने निम्न से उच्च स्तर की ओर नामित क्रमिक अंतराल तथा अनुपातमात्मक मापनियों का उल्लेख किया है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग है यहाँ पे नॉमिनल नामित मापनी स्तर। मापन हेतु प्रयुक्त सभी प्रकार की मापनियों में से यह निम्न स्तर की मापनी मानी जाती है। इस मापनी के आधार पर किसी भी समष्टि पॉपुलेशन के सदस्यों का किसी निश्चित गुण अथवा विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे प्राणियों की समष्टि को मानव, पशु और पक्षी 3 वर्गों में तथा मनुष्य को स्त्री और पुरुष 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, अतः इसे वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। वर्गीकृत वर्गों में से प्रत्येक को एक दूसरे से पृथक पहचानने के लिए अंक जैसे 1, 2, 3 आदि या वर्णमाला के अक्षर जैसे ABC आदि प्रदान किए जाते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि उपवर्गों को प्रदान किए गए अंकों का कोई आंकिक मान नहीं होता, वरन इनका केवल विभेदात्मक मान ही होता है। ये अंक केवल पहचान के लिए प्रयुक्त लेबल से अधिक महत्व नहीं रखते। नामात्मक मापनी के उदाहरण के रूप में टेलीफोन नंबर, कार नंबर, पिन कोड नंबर आदि लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 क्रमिक ऑर्डिनल मापनी स्तर। यह नापित मापनी से श्रेष्ठ किंतु अन्य मापनियों से निम्न स्तर की मानी जाती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, इस प्रकार की मापनी का प्रयोग उस परिस्थितियों में किया जाता है जब किसी समष्टि यानी पॉपुलेशन के सदस्यों को किसी निश्चित गुण या योग्यता के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना होता है। यद्यपि यह मापनी किसी समूह के सदस्यों जैसे 400 मीटर की दौड़ के धावकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय के रूप में उच्चतम से निम्नतम की श्रृंखला से व्यवस्थित तो कर सकती है, किंतु इस प्रकार की मापनी के आधार पर यह ज्ञात नहीं हो पाता कि किन्हीं 2 सदस्यों के मध्य जैसे प्रथम और द्वितीय क्रम के व्यक्तियों के मध्य अंतर की मात्रा कितनी है। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अंतर की मात्रा समान है अथवा नहीं, यह कह सकना भी कठिन है। क्रमिक मापनी के द्वारा प्रदत्त अंक केवल क्रम को ही व्यक्त करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। क्रम को इंगित करने वाले यह अंक
निरपेक्ष मात्राओं के द्योतक नहीं होते हैं और ये भी नहीं बताते कि इन अंकों के मध्य अंतराल बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो व्यक्तियों के क्रम क्रमशः 8 और 5 हों तथा किन्हीं अन्य दो व्यक्तियों के क्रम क्रमशः 6 और 3 हों, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले और दूसरे जोड़े के व्यक्तियों में अंतर की समानता है कि इसके अतिरिक्त इस मापनी के आधार पर यह ज्ञात करना भी असंभव है कि किसी व्यक्ति के मापने गुण शून्य हैं अथवा है ही नहीं। वस्तुतः क्रमिक मापनियों समान अंतराल मापनियां नहीं हैं और ना ही निरपेक्ष शून्य बिंदु होता है। हेडिंग नंबर 3 है अंतराल इंटरनल मापनी स्तर। अंतराल अथवा समान अंतराल मापनी में नामित मापनी तथा क्रमिक मापनी की सभी विशेषताएँ, विशेष रूप से क्रम निर्धारण की विशेषताएँ विद्यमान होती हैं। इस मापनी के अंतराल हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तिगत व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता जिसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सके कि कोई भी अंक इस आधार पर शून्य बिंदु से कितनी दूर है। फिर भी सम दूरी पर व्यवस्थित अंकों को ही हम इस मापने के स्थिर इकाई मानते हैं। उदाहरण के लिए, थर्मामीटर में 98 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री फाइनाइट तक तापक्रम अंकित रहता है, उसमें 99 डिग्री तथा 100 डिग्री फाइनाइट के मध्य जितना अंतर होता है उतना ही अंतर 102 डिग्री तथा 103 डिग्री फाइनाइट के मध्य होता है। हेडिंग नंबर 4 है यहाँ पे अनुपातमात्मक रेशियो अपनी मापनी स्तर। वैज्ञानिक मापन का आदर्श एवं मापन के सर्वोच्च स्तर की मापनी अनुपातमक मापनी है। इस मापनी में नामित मापनी, क्रमिक मापनी तथा अंतराल मापनी के सभी गुणों का तो समावेश होता ही है, साथ ही इसमें निरपेक्ष अथवा स्वाभाविक शून्य भी होता है। अतः यदि अनुपातमक मापनी पर किसी का अर्जित मापनी मान शून्य हो तो यह निश्चित रूप से कहने का पर्याप्त आधार है कि उसमें मापनी का गुण सर्वथा अभाव है। इस मापनी से निरपेक्ष या स्वाभाविक शून्य होने के कारण अपनी मापनी के अर्जित मानों का जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जा सकता है। अनुपातमक मापनी पर अर्जित माप मापनी ये गुण की वास्तविक मात्राओं को व्यक्त करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि उपलब्धि को मापने के लिए अनुपातमक मापनी उपलब्ध हो तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस मापनी पर 8 अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि 4 अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी से 2 गुना श्रेष्ठ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।